हेलो वेलकम गाइस टू स्पार्टन टेक। और आज हम आए हैं वन प्लस के पॉपअप इवेंट में पैसिफिक मॉल में, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही है, तो जल्दी से लाइन में लगते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। वन ऑफ द मेजर थिंग जो हैपन हुई है आज के इस इवेंट में, आपने थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा, मेरे को काल भी यहाँ पर मिल गए खुद ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मली खड़े थे लोगों के बीच में और बातचीत कर रहे थे। और यहाँ पे हम ना सिर्फ वन प्लस 7T के लिए नहीं आए थे, वन प्लस TV को देखने के लिए भी आए थे, तो वो भी इस वीडियो में आगे मैं दिखाऊँगा। और काल भी काफ़ी आराम से घूम रहे थे यहाँ पे, तो लोगों के साथ आइसक्रीम वगैरह भी खा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस। और फाइनली हम आ गए वन प्लस 7T के पास। तो यहाँ पे हमारे पास दो कलर वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं हमको, एक्वा ब्लू और ये सिल्वर ब्लैक कलर, जो कि ऑलमोस्ट एक मेटेलिक बैक फिनिश जैसा दिख रहा है, जो जबकि ये एक ग्लास बॉडी है। तो यहाँ पे वन प्लस ने काफ़ी अच्छा काम किया अपने इस चीज़ के साथ भी, और काफ़ी अच्छा कलर निकाल के दिया। और लेकिन एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा नोटिस करने वाली इन द फेस लग रही है, जो कि है इसका कैमरा लेआउट, जो कि कैमरा मॉड्यूल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और वन प्लस 7T में जो कैमरा मॉड्यूल है वो वन प्लस 7 प्रो से भी थोड़ा थिक लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे आप इन कंपैरिजन देख सकते हैं इन दोनों फ़ोन्स के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर वेरिएशन भी काफ़ी अलग अलग लग रहा है, और ये तीनों ही फ़ोन वन प्लस से आ रहे हैं ऐसा भी पता चल रहा है। और साथ ही साथ ये दोनों वन प्लस 7T काफ़ी ही हल्का फ़ोन है, और मेरे को काफ़ी ठीक लगा। और मेरे को ग्लास फिनिश खुद ज़्यादा अच्छी लगी, ग्लॉस फिनिश जो कि होती है वो काफ़ी अच्छी लगी, मैट फिनिश भी अच्छी है नो डाउट, और काफ़ी अच्छा प्रीमियम फील देने वाली है आपको हाथ में। और उससे बड़ा बिगेस्ट नोटिसेबल चेंज ये है कि यहाँ पे हमें 6.5 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे दिया गया। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी आपको 60:7 से बेटर इम्प्रूव दिखता है, और आपको यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच भी काफ़ी छोटी हुई भी दिखाई देती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ ही ये डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो है फुल HD, यहाँ पे हमें 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो कि नेक्स्ट लेवल बात हो जाएगी इस प्राइस ब्रैकेट में, कोई और डिवाइस ना देता हो जो कि। और जहाँ तक बात है ROG फ़ोन की, तो वो डिफरेंट मार्केट को ही टारगेट करता है, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे कंपेयर नहीं किया 120 हर्ट्ज़ से। यहाँ पे वन प्लस का 90 हर्ट्ज़ काफ़ी अच्छा चलता है, और ऑन टॉप ऑक्सीजन OS तो बहुत ही कमाल कर देता है। यहाँ पे आपको वन प्लस 7T के दो वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं, 8+128GB और 8+256GB की स्टोरेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 38,000 रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस है। और इस प्राइस के आसपास वन प्लस 7 नहीं निकला था, इसलिए वन प्लस 7T ने वो गैप फिल किया है। और मार्केट में एक इस फ़ोन की ज़रूरत की बात है कि नहीं, इस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे सामने ही कई लोगों ने इस फ़ोन को ख़रीद लिया है। तो देखने वाली बात यह है कि आगे कैसे सेल होता है, और अमेज़ॉन की सेल जल्दी आने वाली है, उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है, उसके लिए भी बने रहे, वो भी जल्दी एक चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी ही अच्छी डील लगी मेरे को वन प्लस 7T, और उसके साथ भी कई नई चीज़ें करी हैं वन प्लस ने, जो कि दिखाई देती है। और उससे एक और बड़ी बात कि यहाँ पे हमें एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा 7T में, जिसका ये मतलब है कि आपको वन प्लस 7 प्रो और 7 में जल्द ही रोल आउट देखने को मिलने वाला है एंड्रॉयड 10 का। तो यहाँ पे हमें वन प्लस TVs देखने के लिए भी मिले, तो यहाँ पे हमें साउंड बार वाला वर्जन देखने को मिला, जो कि 1 लाख के अराउंड आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे सिंपल बेस वेरिएंट भी था, जो कि 70,000 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये दोनों ही QLED TVs हैं, और काफ़ी ही अच्छा क्वांटम LED क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी पिक्चर आउटपुट निकाल के दी गई है। और इस काफ़ी सारे शोर में भी मेरे को साउंड बार की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। तो इतना था गाइस इस वीडियो के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, और नहीं भी लगी है तो डिसलाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या व्यूज़ हैं इन स्मार्टफोन्स के बारे में, और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं उनका आंसर जरूर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।